तो गाइस हम चंडी माता के मंदिर पहुंचने वाले। मेरे राइट साइड में भोले जी का मंदिर है, इसी रास्ते पे पड़ता है। और अब जो आगे आने वाला है राजा जी नेशनल पार्क, जहाँ से जंगल की सफारी चालू होती है। तो यहीं काउंटर बुकिंग काउंटर भी आप बुकिंग करने का, ऑनलाइन भी आप बुकिंग कर सकते हैं। तो यहीं से स्टार्ट होती है। राइट साइड में मैं देख रहा टिकट काउंटर है, बुकिंग काउंटर यहाँ पर। और यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह, और ये जो गेट देख रहे हैं इसमें एंट्री होती है जंगल सफारी के लिए। तो अभी पता नहीं खुला है कि नहीं खुला है, वैसे तो मैंने देखा नहीं कोई गाड़ी जाते हुए। वैसे एक जगह देखी थी बस, जहाँ पे हम विंध्यवासिनी के मंदिर जा रहे थे तो वहीं था, उसके अलावा तो कहीं नहीं था मेरे ख्याल से। या तो बंद हो रखी है अभी, तो आप जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं जाने का, या ऑनलाइन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे चलेंगे, राजा जंगल का पार्क पड़ेगा पूरा का पूरा चंडी देवी तक। और सुंदर नज़ारे और गजब नज़ारे आपको मिलेंगे देखने को, चारों तरफ हरियाली हरियाली। तो म्यूजिक का मजा लो। मैं आपको बता रहा था शॉर्टकट रास्ता, और बिल्कुल बिना ट्रैफिक का चंडी माता से जो आता है लेफ्ट में हो गया रास्ता, सीधा ऋषिकेश के लिए निकलता है, नीलकंठ के लिए। तो इसी रास्ते से आप जा सकते हैं बिना ट्रैफिक के, वो भी दिन के टाइम में। मेरे हिसाब से आप रात में ना जाए, ठीक है, अगर जाना है तो आपको दिन में जाए, रात में तो शाम को ये रास्ता ही बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा रहता है यहाँ पर आने का, सबसे ज़्यादा हाथी का, तो इसलिए ध्यान रखें। तो गाइस फाइनली हम चंडी माता पहुंच गए, और देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, और बहुत भीड़ भी हो रही है। राइट साइड में मेरे मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, इसके पीछे गंगा दिखती है पूरी। और अभी चंडी देवी पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, तो हमने डिसाइड किया कि अब दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत है, तो कोई जगह भी खड़ी करने की नहीं है, बाइक कहाँ से खड़ी करेंगे। इसलिए हमने सोचा कि मनसा देवी चलते हैं। अब यहाँ से मनसा देवी के लिए निकलेंगे ये ट्रैफिक होते हुए, और यहाँ सीधा चंडी पुल पार करेंगे और सीधा चले जाएंगे मनसा देवी। और मनसा देवी हम जाएंगे बाइक से ही, इसलिए हम यहाँ से बाइक से निकलेंगे। तो ये राइट साइड में आप जाएंगे तो यहाँ चंडी घाट बना है, बहुत ही प्यारा, और इतने अच्छे अच्छे घाट बना दिया हरिद्वार में, आपको घाटों की कमी नहीं मिलेगी। ओम घाट, हमने घाट, खूबसूरत घाट, एक से घाट है यहाँ पर ऋषिकेश में, हरिद्वार में, और आपका चंडी देवी में भी है। और चंडी के साथ ही चंडी जो पुल है उसके बगल में एक और फ्लाईओवर बन रहा है नया, वो भी बन के तैयार हो जाएगा इस साल में या अगले साल में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं ये चंडी पुल है। अब जा रहे हैं हम हरिद्वार के लिए, और वहाँ से आता है तो चंडी देवी के लिए। तो ये नया फ्लाईओवर का काम चला, जैसे मैंने कई वीडियो में देखा है, ब्लॉगर ने बनाया है जो हरिद्वार के रहने वाले हैं। तो ये फ्लाईओवर देखा, आधा काम हो चुका है, बाकी अभी और रह रहा है। जो नदी के ऊपर से है वो पूरा वहाँ से कम्प्लीट नहीं हुआ, उसको बनने में मेरे ख्याल से बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सरकारी काम ऐसे होते हैं, स्लो चलते हैं, तो बहुत काफ़ी टाइम तक खिंचता है वो काम। फिर जब लास्ट वजन टाइम कम हो जाता है ना, तो जल्दी जल्दी बनाते हैं, तो जिसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो चलो देखते हैं अब आने वाले टाइम में कब तैयार होता है। ये है भारत माता की जय, हमारे देश की शान, हमारा तिरंगा। तो ये फ्लाईओवर बहुत ही अच्छा है, अब यहाँ से पैदल पैदल भी जा सकते हैं। मैं जब चंडी देवी एक बार गया था, काफ़ी लोग सारे गए थे, हम जब ग्रुप था हमारा, तब मैं से पैदल पैदल चंडी देवी गए थे हरिद्वार से होते हुए हर की पौड़ी से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये सारा काम चल रहा है, नीचे है चंडी घाट। तो कभी जाना तो चंडी घाट जरूर जाना, और बहुत ही अच्छा नज़ारा है वहाँ पर। वो सामने है मनसा देवी, तो जय माँ मनसा देवी कमेंट में ज़रूर लिखे। और हम पहुँच गए हैं फ्लाईओवर के नीचे गोल चक्कर पर। तो ये फ्लाईओवर बन गया, पहले नहीं था, अब ये फ्लाईओवर भी बन गया, यहाँ पे सीधा जाता है ऋषिकेश
क्रॉस करता है बिल्कुल इसी के इसमें जाने के लिए, क्योंकि बीच में रेल ट्रैक था उसके वजह से बहुत ट्रैफिक लगता था। अब बाईपास कर दिया, सीधा सीधा अपना ऋषिकेश के लिए आप निकल सकते हैं। तो यहाँ से अब जा रहे हैं हम सीधा मनसा देवी के लिए, बाइक से ही जाएंगे और दिखाता हूँ मैं इस वीडियो में कि मनसा देवी के लिए बाइक से रास्ता कहाँ पर है। तो आप कभी जाए तो आप जा सकते हैं, और लेकिन ध्यान से जाए क्योंकि मनसा देवी में बहुत सीधी चढ़ाई, खड़ी चढ़ाई है जिससे बाइक में आपकी स्लिप भी हो सकती है। तो जितना हो सके आराम से जाए ताकि आपको चोट ना लगे। तो आप यहाँ से जो गंगा नदी क्रॉस करेंगे याला फ्लाईओवर, तो क्रॉस करते एक चौक आएगा सामने, देख सकते हो ये भोले जी का त्रिशूल एक यहाँ पे लगा दिया है, पहले नहीं था ये गंगे जी हर हर गंगे। तो सामने त्रिशूल मिलेगा आपको बहुत बड़ा, ठीक है। तो इसी रास्ते से आप सीधा मनसा देवी के लिए बाइक से जा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।